run. मैंने कैमरा बंद कर मैंने कर मैंने कर यार बोला ना तेरे को दो फिर उतार के ले जा रहे थे मुझे मैं गैस में इतना काम करता हूँ अपनी मम्मी को बिल्कुल परेशान नहीं करता मैं इधर बुड्ढा हो गई भी मम्मी ज्यादा नहीं बोल रहे बाप ये बुड्ढे वाली बात कहाँ से आई मेरी इसमें क्या पैसा मिलेगा किस चीज का पैसा मिलेगा मेरे को तू मेरे को स्कूल छोड़ेगा तब ठीक है बाइक तैयार रखना मेरे भाई देखो कि धुंध कितनी हो रही है मैं पूरा फोग हो रहा भाई ये देखो मैंने भाई अभी देखा भाई ये आँख लाल हो रही है क्या हो गया भाई आँख में मिट्टी विट्टी पड़ गई होगी भाई इसका देखो नीला हो रहा है तो इसको स्कूल में किसी बच्चे ने मारा तो हम कल जाएंगे स्कूल में क्या क्या कह रही मेरी नौकरी लग गई हाँ। क्या पैसा मिलेगा किस चीज का पैसा मिलेगा मेरे को तू मेरे को स्कूल छोड़ेगा तब इसका पैसा अपने को लग मुझे 10-10 रुपए तेरे को दूंगी 10 रुपए के लिए आऊंगा तेरे को छोड़ने के लिए मैं है 5 रुपए में आ जाऊंगा मैं हाँ 1 रुपए में आ जाएगा 10 रुपए देंगे 10 रुपए लूंगा ठीक है छोड़ने के 20 रुपए ले लियो जाने के 10 रुपए ले लियो और छोड़ने के 1 रुपए भाई मेरी जॉब लग चुकी है अभी सैलरी मिला करेगी 10 रुपए सैलरी 10 रुपए डेली का 10 रुपए नहीं एक दिन का 10 रुपए जाने का 10 आने का ना 20 रुपए हो गया ना फिर मेरा तो 600 रुपए होगा भी जाएगा महीने का लूंगा ना फिर तेरे पर एक दिक्कत हो जाती है तेरे साथ आने में तुझे जब लेने आता हूँ मैं महीने का 10 रुपए नहीं दिन का 10 रुपए आने जाने का टोटल 20 रुपए हो गया एक दिन का तो तेरे साथ दिक्कत है ना तो तू वो क्यों लेती है फिर तू चीजें लेती है सैलरी ज्यादा तो ये चीज ले लेती है मुझसे तो मैं तो माइनस में चले जाऊंगा फायदा क्या होगा तेरे छोड़ने का और सी ले रही यहां पे महीना महीने का दूंगी भाई मैं 10 रुपए नहीं महीने के 40 रुपए दूंगी सिर्फ 40 रुपए नहीं आऊंगा मैं 10, 20, 30, 40, 50 अच्छा तेरे को जूते पहनाऊं मैं पैर डालो गाइस आपको पता है बाहर बहुत गंदा नजारा है गंदा नहीं धुंध हो रही है बहुत अरे अगर कोई इंसान भी उधर से चल के आ रहा हो तो इस लगेगा कि भूत की परछाई है हाँ आपको भी दिखाऊंगी मैं कि चलो दिखाती हूँ भाई साहब मम्मी बाहर आपको एक बार देख लो धुंध हो रही है बाय भूमि बाय अभी बैग लेके तेरी नौकरी के लिए लेकर आऊंगी ठीक है भूमि ठीक है बाइक तैयार रखना मेरे भाई कह रही है तेरी नौकरी के लिए आ रही हूँ मैं भी और बाइक तैयार रखना क्या बैग लेके आ रही हूँ मैं भी ये तो एक बार की बात हुई ना ठंड में कौन जाएगा धुंध हो रही है बाहर तभी आई सूर्य मेरे बारे में पूछने तेरी बाइक तैयार रखियो भाई तेरी नौकरी के लिए आ रही हूँ मैं भूमि आ जाओ चल हम तो हैं हम भूमि को छोड़ने जा रहे हैं स्कूल आज अब मेरी ड्यूटी लगा दी इन्होंने आज छोड़ने के लिए ले पकड़ इसको इसमें मैं दिखा मेरे को मैं कैप पहन लूँगा जरा कैप पहनने में दिखाना पड़ता है इसको देखिए गाइस बदतमीज है अरे कमीज है मतलब तेरा मामा बिल्ली तेरी मासी चलो चले भाई तो भूमि को छोड़ दिया स्कूल मैंने ये देखो भाई धुंध देखो कि धुंध कितनी हो रही है मैं पूरा फोग हो रहा भाई ये देखो पूरा धुंध भाई तो मैं भी जा रहा हूँ बाइक में पेट्रोल नहीं है यार रिजर्व पे चल रही है बाइक तो जाता हूँ भाई पेट्रोल भरा के आते हैं फिर जाएंगे घर भाई बुरा हाल हो रहा बुरा हाल चलो
देख लो पीछे कुछ नजर नहीं आ रहा भाई। भाई तो पेट्रोल भरा लिया हमने, दोबारा धुंध में आ गए हम लोग फिर से, पूरा धुंध हो रहा भाई हर जगह। फिर घर चलते हैं भाई, भूख लग रही है, बहुत जल्दी नाश्ता करेंगे बढ़िया अपना। और ये देखो सुई पहुंच गया अपना वापस, झंडे लग गए बढ़िया। हमारा लगा हुआ है ये झंडा, हमारा लगा हुआ है ना झंडा अभी तक लगा। जय श्री राम। सो भूमि को छोड़ने आ गया मैं भीग गया मुझे वो पाला पड़ता है ना, ड्यू पड़ी मेरे ऊपर, ड्यू माउंटेन ड्यू पड़ी मेरे ऊपर। जैकेट वैकेट सब गीली होगी मेरी, हाथ पैर सब गीले हो गए थे। कपड़े सुखाओ आप, कपड़े जा रहा हूँ नीचे। वैसे बाल्टी मैंने छोड़ी है मैंने इतना काम कर दिया बोल, नहीं भारी है ना तो अच्छा ही है, थोड़ा कम तो काम गिनाऊंगा ना अपना। मैं गैस में इतना काम करता हूँ, अपनी मम्मी को बिल्कुल परेशान नहीं करता मैं, इधर बुड्ढा हो गई भी। मम्मी ज्यादा नहीं बोल रहे बाप, ये बुड्ढे वाली बात कहाँ से आई मेरी इसमें, तो बाली हो रही मेरी नहीं बोलते भाई। अरे मत करना है भाई, ठंड लग रही है, क्यों पसंद बैठा दूं मेरे को, क्यों पता क्या मैं थप्पड़ भी लगा देती हूँ लो मम्मी सॉरी सॉरी मम्मी सॉरी, मारना मत मम्मी प्लीज। Run. अरे कैमरा बंद कर, बंद कर, बंद कर यार, बोला ना तेरे को दो बार उतार के ले जा रहा है मुझे, मत कर मत कर, आ रही हूँ मैं, नहीं आ रहा क्या तेरे को, ठीक है मैं जा रहा हूँ। भूमि यहाँ देख, यहाँ देखो हाँ, आज लेने कौन आया आपको, तेरा मुंह क्यों उतर गया अभी, कुत्ते की टांग टूटी है बेचारे की, और मैं उसकी फैमिली की तो तू उसकी फैमिली की है। तो भाई हमने भूमि को ले लिया है, अभी हम निकल रहे हैं घर की तरफ, इसकी फिर डिमांड शुरू होगी, आप कह रहे चाउमीन खानी मेरे को, और घर पे खाना बना, घर पे खाना खाएगी तू अब, ठीक है मेरे घर पे बना, अब चले घर चले, अब हम घर जा रहे हैं, ओके चलो घर चलते हैं ना। 2000 years later. आ रहा हूँ पूरा मेरी बोलू। जी जी। भाई रनिंग कर ली और जंपिंग स्क्वाट लगा लिए, सपाटे पुशअप सिंगल हैंड और फिंगर वाली सब पुशअप वगैरह लगा लिए, और अब भाई जाएंगे जूस पीने फिर जाएंगे घर अपना सीधे, थक गया रात जो। तो मैंने भाई अभी देखा भाई कि आँख लाल हो रही है, क्या हो गया भाई आँख में, मिट्टी विट्टी पड़ी होगी भाई इसमें आँख में। भूमि भाई मैं घर आ चुका हूँ वर्कआउट करके, और ये भूमि देख क्या कर रही है, फर्श में सो रही है यहाँ पे, भूमि क्या कर रही है ये, बेड नहीं दिख रहा देखो, वहाँ दो बेड डबल बेड उस रूम में है, और तू यहाँ ए भूमि भूमि क्या कर रही तू, ये बेड में क्यों सो रही, जा तेरे को पार्टी में जाना, तो पार्टी में जाएगी चौमिन गोलगप्पे खाएगी, अरे हे जा है मम्मी कह रही मेरे को कि चौमिन दिला मेरे को आज, मैं डेली कुछ ना कुछ चाहिए तेरे को, मैं पैसे लेके नहीं गया हूँ, मैं कह रही तो पेटीएम करती हूँ, ये बताओ उसको भूमि भूमि भाई क्या तेरे हाथ में, ये देखो भाई ये मेरे क्या, भूमि तो वर्कआउट करने जा रही है। तो भाई आज ईशु आया बहुत टाइम बाद हमारे ब्लॉग में, ईशु बीमार है ना, तू बीमार है ईशु? हाँ मैं थोड़ा सा बीमार हूँ। और ऐसे ऐसे क्यों बोल रहा तू, तूने कुछ खाया, गुटका उटका खा रहा है? नहीं मैंने गुटका नहीं खाया। फिर क्या हुआ तेरे मुंह में, दांत टूटा हुआ है गाइस। ओहो, तो भाई ईशु का दांत टूट चुका है, कोई नहीं ईशु दोबारा आ जाएगा तेरा दांत, ठीक है? ये दोबारा नहीं आएगा क्योंकि पहले भी टूट चुका है। हैं मम्मी ये कह रहा दांत पहले टूट चुका है मेरा, ये वाला दोबारा किसी ने मारा किसी तेरे को? नहीं मारा नहीं। हाँ
नहीं नहीं इस बार पहली बार टूटा हुआ जाते रहे, पहली बार पहले टूटा जाते रहे वाला। देखिए इसको भूमि देखिए उधर मुँह नीचे उतर, ये कह रही है ये कह रहा डांट टूट चुका है, इसको खुद नहीं पता मम्मी अभी भाभी को पता होगा ये टूट रहे हैं तो क्या होगा इशु पता नहीं, ये दांत मेरा हिल रहा है दांतों हैं, क्या कह रहे मम्मी बोल रहा था हिल रहा है, यहाँ देख क्या हुआ, अभी बोल रहा था कि मेरा दांत हिल रहा है, किसने तुम्हें मारा तो नहीं इशु कहीं नाम बता किसने मारा था, नहीं नहीं किसी ने नहीं मारा, इधर आइयो मम्मी मम्मी हाँ इसके यहाँ काला काला क्या हो रहा है, ये देखो काला काला नील जैसा पड़ा है यहाँ पे, ये देखो मेरे को दर्द हो रहा है इसमें, दर्द हो रहा है यहाँ पे, दर्द हो रहा है मम्मी इसकी, मम्मी ये ना लगी है इसकी ऐसे यार गुस्सा लगा कुछ लगा है इसको, मेरे को कुछ नहीं पता, वो तो ठीक है दांत तो वहां टूटा है, पर मारा किसने मुझे बता एक बार, नहीं नहीं बता, नहीं नहीं सर में गिर गया था कहीं, ये झूठ बोलता है बहुत, ये जो गलत बात झूठ नहीं बोलना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए, किन लोगों को बोला था हम मैम से बात करेंगे ना स्कूल में, ऐसे छुपाते नहीं है, चल बता सच बता, देख अब बताना पड़ेगा, हां चलो सब लोग देख रहे हैं, बता किसने मारा था बाबू, गाइस मेरा एक क्लासमेट था उसने मेरे को बेफालतू में मार दिया, किसने स्कूल में, हां तो बताया मम्मी को, नहीं मम्मी को नहीं बताया, मम्मी जाना पड़ेगा स्कूल में, गुस्सा करने दे, अरे मैं बताऊं यहां भी मारा उसने तेरे, नहीं नहीं ये दांत मेरा पहले अपने आप ही टूट गया, मम्मी वीडियो रिकॉर्ड कर लो उसको, यहां देख मुंह बंद कर, इसके देखो नीला हो रहा है, तो इसको स्कूल में किसी बच्चे ने मारा, तो हम कल जाएंगे स्कूल में, तो भाई अब कल जाएंगे स्कूल में, कल मैं जाऊंगा और मैम को बताया, भूमि इशू सुन तू भी सुन ले, कोई स्कूल में कुछ बोलता है तो घर में आकर बताया करो पेरेंट्स को, या मुझे बताया करो अगर तुम नहीं बता पाते मम्मी पापा को, गलत कह रहा हूँ मम्मी जी, हम स्कूल में बात कर, मैं अभी एक न्यूज आई थी, एक लड़का आया 11 तारीख को, उसको स्कूल में कुछ बड़े बच्चों ने पीटा, और उसने घर आके बताया कि मेरे को ना ऐसे ऐसे हुआ, उसके घर वाले ने दिखाया हॉस्पिटल में, फिर कुछ दिमाग की डेथ हो गई उसको, उसकी टांग टूट गई थी, टांग में दर्द था, वो ना स्कूल में भाग के जा रहा था तो बच्चे से टकरा गया, वो छोटे बड़े बच्चे होंगे उन्होंने पीट दिया छोटे बच्चे को यार, 8-9 साल का बच्चा है, उसको कैसे ने क्यों मारा उन्होंने, अभी मैंने कल देखा 11 तारीख की न्यूज है, 20 तारीख को मर गया बच्चा, रियल है वो दिल्ली की है, दिल्ली की बात है मेरे ख्याल से, और अभी भी एक्सीडेंट, और ये बता नहीं रहा इतनी बार समझा दिया, तो स्कूल में बच्चे ने मारा स्कूल में, एक्सीडेंट हुआ था, मारा तुझे, हां हुआ था रोड पे, अभी हुआ था लड़के ने मारा था, नीला पड़ा यहां नीला है, वो वहां पे हुआ था जब मैं स्कूल से आ रहा था ना, इशू यार तब एक टक क्या बताया बताया, एक दूध वाला था, एक जरूरी जो एक जरूरी सूचना देने वाला हूं सबको कि भाई किसी की अपने बच्चों से बात करा करो घर जाके ना मुझे कि तुम्हें कुछ हुआ है स्कूल में, दोस्तों के पूछा करो तो बताएंगे सच, वैसे नहीं बताते हो, ये बताने नहीं वाला था सच, हाँ ऐसे बताया था, बच्चा घर में सुस्त रहता है जैसे कोई बताते नहीं, दिख गया मम्मी ने बताया थोड़ी है नीला पड़ा है हम इसके, अरे नहीं ये मेरे सामने भी ना हंसते हुए आया था, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने देखा ना मैंने पास बुलाया, तो मैंने वीडियो बनाया चक्कर में पास बुलाया उसको, तो दिख गया मेरे को भी, शुरुआत कैसे हुई थी बताओ, ऐसे तो खाली मारेगा नहीं, वो क्या बात हुई थी मतलब, झूठ बोल रही हो क्योंकि हमारी भी सल्ट हो जाएगी अगर तू झूठ बोलेगा तो, नहीं झूठ नहीं, क्या बोला छोटा बच्चा भी कितना मारा दांत फिर तोड़ पाएगा, वो गुस्सा तो दिख सकता है, अभी नया दांत है ना, घर वालों की मम्मी को फोन करो उसके एक बार, अभी करते हैं फोन, क्या नहीं बताना, स्कूल में जाना पड़ेगा ना बात करने के लिए, मैं हमको कह दूंगा कल ही, कल ही कह दूंगा पक्का, संजू नहीं कहेगा ये, मैं आ जाऊँ स्कूल में, मैं आ जाऊँ स्कूल में, हाँ तो मैं जाऊँ स्कूल में, मम्मी से बच्चे मम्मी डांटती है और नहीं डांटेगी मम्मी तेरे को, इसका मतलब तू भी कम नहीं है, तू भी करता है, एक और बात हर बार गलती सामने की नहीं होती, अपने बच्चे की गलती भी होती है तो वो भी देखना है, ये नहीं तुम गुस्से में चले गए साल छोटे बच्चों को तुमने डांट दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने वाले की भी हो सकती है, अपना सिक्का भी खोटा होता है कभी कभी, इसका मुझे डाउट है थोड़ा इस पे मेरे को, चलो बात करेंगे हम, पता करते हैं ठीक है, कल होगा जो भी हो, पापा आ चुके तहकीकात करने के लिए, अब तो फिर क्या कहते हैं खाली ऐसे मार दिया, खाली क्या मजाक ऐसे ऐसे ही मार दिया उसने, तो बताया नहीं टीचर को, बात भी करी नहीं, ये अपनी मम्मी को भी नहीं बोला ना इसने, बोलना था हमें पड़ेगा, कौन सा क्लास का था वो, मेरी क्लास का था, डीएससी क्लास का है, मेरी क्लास का है वो, सेक्शन ए की है, ये मम्मी अच्छा खाना अंगूर मेरे मुझे खा रहे हो,
मम्मी वही मूवी नहीं है, कौन सी मूवी है वो? हवा हवाई वाली मूवी है जिसमें उसका जी खिलाती नहीं है अंगूर। तो वो आता है ना मिस्टर इंडिया, ऐसे में खाते हैं ऐसे कर अंगूर खाती ना। तुम खाओगे अंगूर? तू तो क्या ही खाएगा, तेरा दांत टूट चुका है। हाँ मुझे दो सुना पड़ेगा ना भाई, क्या हुआ था करके। ऐसे मारने में ऐसे छुपाएंगे ये, तभी बच्चे को कुछ भी हो सकता है भाई। मतलब गलती हो सके, इसकी भी गलती हो सकती है, मतलब पूछना पड़ेगा वहाँ। मारेंगे बता दी ठीक है। डाकू होते हैं समुद्री पायरेट्स, पायरेट्स जाते कि नहीं शादी में? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस व्लॉग, आई होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई होगी और यहाँ तक देखी आप लोगों ने, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको, ठीक है। और हम मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में बहुत ही जल्द। बाय।